बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं मोहम्मद अरबाब आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आसफ़ अली जरदारी साहब के हालात ज़िंदगी पर बात करेंगे। वीवर्स, वीडियो कैंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीवर्स, अगर आसफ़ अली जरदारी साहब की बात की जाए तो पाकिस्तान के टॉप 10 अमीर तरीन लोगों में 5वें नंबर पर जनाब का नाम आता है। अगर आसफ अली जरदारी साहब के साथ की बात की जाए, 1.8 बिलियन डॉलर जनाब के साथ हैं जो इन्हें पाकिस्तान के 5वें अमीर तरीन शख्सियत में शुमार करते हैं। आसफ अली जरदारी साहब साकवा सदर पाकिस्तान, एक सिंधी बलोची सियासतदान हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इब्तदाई सियासी साथियों में शुमार किया जाता है। आपके वालिद का नाम हाकम अली जरदारी था। हाकम अली जरदारी साहब बाद में नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हो गए थे। आसफ अली जरदारी साहब जुलाई 1955 में पैदा हुए। इनके वालिद साहब का सिंध में जमींदारी के साथ साथ कराची में भी कारोबार और सिनेमा था। आसफ अली जरदारी साहब कराची में पैदा हुए। इनकी वाइफ का नाम बेनजीर भुट्टो था। जनाब की शादी 1987 को बेनजीर भुट्टो के साथ हुई थी, जबकि 2007 में बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। अगर बेटियों और बेटों की बात की जाए तो जनाब के एक बेटा और दो बेटी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, बख्तावर भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी। आसफ अली जरदारी साहब का सियासी करियर तब शुरू हुआ जब 1988 में बेनजीर भुट्टो इकतदार में आई तो आसफ अली जरदारी साहब वज़ीर आज़म हाउस में मुंतकिल हो गए। और इनकी सियासी ज़िंदगी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई। 1990 में बेनजीर हुकूमत की बरतरफी के बाद होने वाले इंतखाबात में वो रुकने कौमी असम्बली रहे। बेनजीर के दूसरे दौर में रुकने कौमी असम्बली वज़ीर मौलियात व सरमायाकारी रहे। मासूख पर 1990 में मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म आयद हुआ। आसफ अली जरदारी साहब तकरीबन कुल मिलाकर 11 बार जेल में रहे। दस अक्टूबर 1990 ब्रोज बुध पहली बार गिरफ्तार हुए। 2 साल 3 माह 6 दिन की कैद के बाद 6 फरवरी 1993 को रिहा हुए। 4 नवंबर 1996 को दूसरी बार गिरफ्तार हुए। 8 साल 18 दिन जेल में रहकर 22 नवंबर 2004 को रिहा हुए। जेल में भी आसफ अली जरदारी साहब ने कैदियों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सारे काम किए, जिनमें खाने और कपड़े की तकसीम, कैदियों की जमानत के लिए रकम का बंदोबस्त भी शामिल रहा। अगर आसफ अली जरदारी साहब की एज की बात की जाए तो 66 ईयर एज है। अगर आसफ अली जरदारी साहब की रिहाइश की बात की जाए तो नवाब शाह में इनकी रिहाइश है। अगर जनाब की आमदन की बात की जाए, ज़राअत, सन्नत, बरतानिया और अमेरिका में कारोबार हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी इस वीडियो के बारे में दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।